हरियाणा के रेवाड़ी में नागरिक अस्पताल के पास बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थान से शुक्रवार की रात दो बच्चे दीवार फांदकर फरार हो गए। सुबह जब बच्चों की गिनती गई तो इसका खुलासा हुआ। इसके चलते संस्थान के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बाल कल्याण विभाग बच्चों की तलाश में जुटा हुआ है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के अनुसार बच्चे सुबह 3:20 पर दीवार कूदकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी देखने पर कैमरे में बच्चे कैद हो गए हैं। यह बच्चे 3:55 पर दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन में खिड़की में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दिल्ली आरपीएफ और दूसरे स्टेशन पर बच्चों के फरार होने की सूचना दे दी गई है। बता दें कि रेवाड़ी का देखरेख संस्था आस्था कुंज के नाम से जाना जाता है। इस समय यहाँ पर 31 बच्चे रह रहे हैं। फरार होने वाले बच्चों में 14 साल का झज्जर निवासी है, जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जिसकी उम्र 9 साल है। दोनों बच्चे पहले भी बाल संरक्षण गृह से फरार हो चुके हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही डीसी अशोक कुमार गर्ग ने आस्था कुंज का निरीक्षण किया था। यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी लगातार बच्चे यहाँ से भागते रहे। ऐसे में आस्था कुंज की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं। आखिर बच्चे किस तरह से यहाँ से आसानी से फरार हो जाते हैं? ऐसे में अधिकारियों को इसका भी जवाब देना होगा। मामला कुछ भी हो, फिलहाल चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी गई है। यह मनजीत बच्चा है, ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ हमारे पास आया था 8/7/22 को, और ये बच्चा अपने घर से भागा हुआ है। दो चार बार अपने घर से भाग चुका है और वहाँ बॉम्बे पहुँचा है। इस बच्चे को सिंगर वगैरह कुछ बनना था और अपने हाथ वाथ भी कुछ काट रखे थे, और शायद बॉम्बे से भी ये भाग के और किसी संस्था से ये मेरे पास आ गया, और ये यहाँ पर भी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, तो हमने इसके पेरेंट्स को मैसेज दे दिया था कि आप अपने बच्चे को ले जाओ। पेरेंट्स बार बार मना कर रहे थे, तो CWC बार बार इनके पेरेंट्स से कांटेक्ट कर रही है बच्चे को ले जाने के लिए। इसी दौरान ये बच्चा संस्था से निकल गया। कैसे गया मैडम, कैसे गया? सभी बच्चे सो रहे थे और वो एक खिड़की थी, खिड़की को खोल के और वहाँ से छत के ऊपर से कूद के चला गया। मैडम जब ये बच्चा आया तो या अकेला आया था या इसके कुछ पेरेंट्स वगैरह? नहीं नहीं, पेरेंट्स नहीं, मेरे पास तो बच्चा CWC के थ्रू आया था। वो पीछे से गया है ना सर। दोनों बच्चे मैडम सिंगर बनने? नहीं नहीं, दो दूसरे बच्चे को तो ये अपने साथ बहला के फुसला के लेके गया है। तो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं? सर सिक्योरिटी गार्ड मेरे गेट पे बैठते हैं, बच्चा पीछे से गया है। ये पीछे आप देखना, पीछे से गया है वहाँ गेट से। सर 31 बच्चे हैं। पहले भी इस तरीके का अच्छा हो चुका है यहाँ पर? क्या बच्चे पहले गेट के बाद में? सर मेरे पास यहाँ जो रेगुलर बच्चे होते हैं वो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, उनको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये बच्चा घर से जो बच्चा 3-4 बार भाग चुका है और बार बार संस्था से बच्चा भाग रहा है, तो मेरे पास तो 3-4 दिन पहले ही ये बच्चा आया है। उस बच्चे को हम इसके पेरेंट्स को भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसके पेरेंट्स ही मना कर रहे हैं कि हम बच्चे को नहीं लेके जाएंगे। तो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं बच्चे को पेरेंट्स के पास भेजने के लिए। इतना ही है मामला सर। हमने FIR दर्ज करा दी है बच्चे की, पुलिस की ये गुम होने की एप्लीकेशन लगा दी है, सूचना दे दी है सर पुलिस पे, 100 नंबर पे फोन कर दिया है।